हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम आए हुए हैं शॉनबर्न पैलेस, जो वियना के आउटस्कर्ट्स में है बट वेरी वेल कनेक्टेड थ्रू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब हम आ गए हैं बैक साइड ऑफ द पैलेस, और इस जो इतना ह्यूज पैलेस है लेकिन इसका गार्डन उससे भी ह्यूज है। तो ये तो एक ही साइड आपको गार्डन दिख रहा है, और वो सामने आपको हिल टॉप में दिखेगा, वो जो दिख रहा है ना आपको, वो है व्यूइंग गैलरी। तो इस माउंटेन के ऊपर अगर आप जाओ और वहाँ से व्यू देखो तो पूरा आपको पैलेस और उसके गार्डन्स दिखते हैं। पता नहीं हम वहाँ जाएंगे कि जाएंगे, बिकॉज वो भी तो कौन चढ़ेगा पहाड़ ऊपर, बट इट्स वेरी नाइस व्यू। इधर कितने सुंदर गार्डन है, और आगे एक बहुत बड़ा सा फाउंटेन है, एवरीथिंग सीट, और ऊपर से हिल टॉप पे व्यूइंग गैलरी। लुक एट दैट, जो इतना सुंदर सा स्ट्रक्चर बना रखा है, वहाँ पे फाउंटेन है, आई एम श्योर यू कैन सी इट, एंड देन देयर इज अ व्यूइंग गैलरी ऑन द टॉप, ब्यूटीफुल। देखते हैं ऊपर जाते हैं माउंटेन में कि नहीं, इस हिल टॉप पे पहुँच गए हैं फाउंटेन के पास, इट्स ब्यूटीफुल, एंड आई एम श्योर you can hear the sound of the water. और यहाँ से देखो व्यू पैलेस का, along with its gardens. वो रहा पैलेस, इसका बैक साइड हमें, ये रहे गार्डन्स लीडिंग अप टू द फाउंटेन, एंड राइट साइड में यहाँ पे मेज है जहाँ पे भी जाएंगे हम लोग, क्योंकि बच्चों को उसकी बहुत एक्साइटमेंट है, लेबरिंथ एंड मेज की। अभी हम मेज़ के अंदर घुस गए हैं, और अभी हम अपना, हम तो फॉलो कर रहे हैं विहान और अमायरा को, देखो वो मेज़ के एंट्रेंस और एग्जिट ढूंढ पाते हैं कि नहीं। अभी तो हम एंट्री में ही घूम गए हैं, समझ नहीं आ रहा कि कहाँ है रास्ता, स्टार्टिंग में इतने डेड एंड मिल गए हैं, अब हम कहाँ चले गए। अरे हम तो एंट्रेंस पे आ गए, अपना रास्ता खोजते हुए हम लोग, क्या डेड एंड? हम मेज में घूमे जा रहे हैं, और घूम फिर के हम डेड एंड्स, और वापस जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पहुँच जा रहे हैं, हम अंदर घुस ही नहीं पा रहे हैं मेज के, समझ नहीं आ रहा है। अब लगता है जो ऊपर यहाँ पे एक व्यूइंग गैलरी है, वहाँ चढ़ के देखना पड़ेगा कि रास्ता कहाँ से अंदर घुसे। हाँ ये बात भी है, व्यूइंग गैलरी तक पहुँचेंगे भी कैसे, वहाँ का भी रास्ता नहीं मिल पा रहा। तीन चार बार तो हम एंट्रेंस पे ही पहुँच गए हैं अभी तक, जितनी बार भी एंटर करते हैं घूम फिर के फिर वापस एंट्रेंस पे पहुँच जाते हैं। ये तो कट द हेजेस एंड फाइंड अ वे, माय गुडनेस, फिर पहुँच गए डेड एंड में। ये देखो ये है मेज, यहाँ से हम घूमते घूमते आए हैं, और यहाँ पे हम सारे घूम भी होते आए हैं इसके अंदर से। ये देखो ऊपर से फिर भी दिख रहा है रास्ता, लेकिन अंदर से तो अब कुछ नहीं दिखता है। कई जगह डेड एंड्स होते हैं, कहीं पे आप घूमते फिरते, देखो लोग इसमें घूम रहे हैं। ये देखो अब बेचारे लोग ढूंढ रहे हैं रास्ते यहाँ के लिए, बट फाइनली हम आ गए हैं। अब हमें अभी एग्जिट भी करना है यहाँ से भी। अब हम लेबरिंथ में एंटर किए हैं। लेबरिंथ में क्या है, मेज की तरह जिग कंफ्यूजिंग वेज नहीं होते हैं, उसमें एक ही वे है जो एंड तक जाता है, लेकिन आपको उसके थ्रू ही जाना पड़ता है और कोई एग्जिट नहीं। Let me see this fountain. अच्छा लेबरिंथ का होता है कि आप इसमें घूम नहीं सकते हो, क्योंकि एक ही रास्ता है, उसमें चलते रहोगे तो आप एंड तक एग्जिट में पहुंच जाओगे, लेकिन मेज़ में आपको ढूंढना पड़ता है अपना रास्ता पूरे पज़ल में से बाहर। तो
इसलिए कोई चक्कर नहीं है इसमें ढूंढने का कि डेड एंड आएगा कहीं पे। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, जब पहुंच जाओ। ये सारी ऐसी वाली मिट्टी है, पूरे स्टोन्स हैं और ये मड है। पाँव के और शूज़ की तो हालत ख़राब हो गई है, पूरे भर गए हैं मिट्टी से। मैं दिखाती हूँ, मैं विहान के शूज़ तो ब्लैक कलर के हैं, तो पूरे सफ़ेद हो गई। ये देखो विहान, शो मी योर शूज़, चुम मडी हो रखे हैं तुम्हारे, ये ब्लैक लग रहे हैं, पूरे सफ़ेद हो गए हैं मिट्टी से। Are you playing hide and seek here, Amara? Yeah. It's so confusing because you're seeing the reflections in the actual glass and by the floor. Okay, इसमें बजेगा music. और अब आ गए हैं zoo के अंदर, और आते ही देखो रॉयल बंगाल टाइगर आपको दिख रहा है सोता हुआ। और भी चीज़ें हैं जो आपको दिखेंगी इसमें। मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया, पर थोड़े बहुत ग्लिम्सेस आपको जू के भी मैंने कहा दिखा दूँ। और ये जो आप एकदम ही लेफ्ट कॉर्नर में जो एकदम ही ग्लास के साथ देखोगे ना, ये देखो यहाँ पे ये ग्रीन कलर की जो ना ये कैमिलियन है, इसने अपना कलर ग्रीन चेंज कर रखा है, ये थोड़ा हल्का हिल रहा है अगर आप देखो तो। Our very own tortoise, come Myra. Look, this tortoise is named Myra and carries her home on her back. Aja, can you crawl out of your shell and show us how big and strong you are? This thin girl is a tortoise. ये देखो सामने सामने लिखा है कि घास पे जाना अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड टू गो टू द ग्रास, लेकिन फिर भी अंदर घुस गए हैं। और ये अपने ही हैं, इंडिया से आए हुए, क्योंकि इतनी ज़ोर ज़ोर से हिंदी में बात कर रहे हैं। और अब आगे हैं वापस सेंट्रल वियना में, और एज़ यूजल मैं तो बस बिल्डिंग्स ही देख रही हूँ। सारी बिल्डिंग्स इतनी सुंदर है ना, एनी स्ट्रीट एनी कॉर्नर यू लुक एट, सच ब्यूटिफुल एंड क्लीन बिल्डिंग्स। देखो किसी भी स्ट्रीट में आप चले जाओ, इतनी सुंदर बिल्डिंग्स है ना, मेरे को तो मत कि आई एम इन लव विद दिस सिटी। लुक एट दिस, एंड ये जो सामने जहाँ लाइन लगी हुई है ना, ये कैफ़े सेंट्रल है, बहुत फेमस यहाँ का कैफ़े है, जिसमें कई राइटर्स बैठ के इन्होंने अपनी जो है किताबें लिखी हैं बिफोर इट बिकेम फेमस। ऑफकोर्स आप तो देखो क्यू लगी हुई है अंदर जाने के लिए। ये पूरी स्ट्रीट जो माइकलर प्लाट्स के सामने है, इसमें सारे हाई स्ट्रीट का हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स हैं, यहाँ पे सबके स्टोर्स इसी स्ट्रीट पे हैं। आगे डियोर भी है, यहाँ की बहुत फेमस चर्च है, और ये देखो शाम के समय जो है आउटडोर कैफे सारे भर गए हैं, वेदर इतना अच्छा है, और क्या क्या कैप्चर करो, हर स्ट्रीट इतनी सुंदर है। ये देखो ओमेगा की बिल्डिंग, कितनी सुंदर बिल्डिंग, और यहाँ
ये देखो इतना सुंदर चर्च है ये, माय गुडनेस। और इस ब्यूटीफुल कैथेड्रल के पीछे ही स्ट्रीट में है मोजार्ट का हाउस, जो वियना में जो रहता था वो उसका वहाँ पे हाउस, जो पे आगे देखोगे आप। और बस मैं अपना वीडियो यहीं एंड करती हूँ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।